बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके जरिए सूबा सिंध के स्कूल्स में 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उसमें बच्चों की फ़िज़िकल जो हाज़िरी है उसको हमने सस्पेंड किया, और जो तालीम है बच्चों की वो जहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए पॉसिबल है वो ऑनलाइन के ज़रिए होगी। और उसके अलावा कुछ और स्कूल थे जहाँ पर माजी में बच्चों को हफ्ते में एक मरतबा बुलाया जाता था, होमवर्क दिया जाता था, कोई असाइनमेंट दिए जाते थे और उसके बाद वो बच्चे काम करते थे। यकीनन ये जो स्कूलों की बंदिश है 2 हफ्ते के लिए, इससे तालीम का अमल बिल्कुल मुतासर होगा, इससे मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम बच्चों की तालीम का नुकसान हो। और 8वीं जमात से जो ऊपर की जमातें हैं वो एज़ यूजुअल चलती रहेंगी, लेकिन एक आसानी ज़रूर होगी स्कूल्स में कि चूँकि वहाँ बच्चों की तादाद कम हो जाएगी तो वो बेहतर अंदाज़ में SOPs को फॉलो कर सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को करवा सकते हैं। मैंने परसों भी और कल भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो मैं समझता हूँ कि उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। पहले दिन जब हमने मीटिंग की, स्टीयरिंग कमेटी की, तो मुख्तलिफ़ चैनल्स ने मुख्तलिफ़ खबरें चलाईं कि हमने कोई स्कूलों के औकात कार के हवाले से कोई फ़ैसला किया है। स्कूल्स के औकात कार के मुतल्लिक कोई बात मीटिंग में हुई नहीं थी, सिरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कही गई कि मैंने ये कहा है कि जो रिकमेंडेशन हैं स्टीयरिंग कमेटी की वो मैं NCOC में लेकर जाऊँगा, ये बात बिल्कुल नहीं हुई और ना ही मैंने NCOC में वो लेकर जानी थी। ये ज़रूर फैसला हुआ कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम हुकूमत सिंध से उनके सामने रखेंगे और फिर उस पर जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर कल मैंने देखा कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो रहनुमा थे उन्होंने ये कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में ये फ़ैसला नहीं हुआ था और वहाँ पर कोई और बात हुई थी और सब ने मुखालफत की थी और ये कहा था कि स्कूल्स खुले रहें उस तक जब तक मुकम्मल लॉकडाउन ना हो जाए। मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये कुछ लोगों की राय ज़रूर थी, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें से अक्सरियत की राय ये नहीं थी। और वहाँ जो तजावीज़ थी, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि आपके इल्म है कि 3 तारीख को हमने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास किया था, लेकिन 2 अप्रैल को जो कोविड पर टास्क फोर्स है हुकूमत सिंध की उसका इजलास हुआ था। उस इजलास में जो माहिरीन बैठते हैं वहाँ ये भी तासुर गलत है कि जी सिर्फ हुकूमत के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें जिसमें WHO की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ बड़े हॉस्पिटल शहर में काम कर रहे हैं उसके जो मुतल्लिका माहिरीन होते हैं वो मौजूद होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ा एक ऐसा फोरम है जिसमें मुख्तलिफ राय आती है और उसकी रोशनी में फिर फैसले करने में आसानी होती है। तो वहाँ पर भी स्कूलों की बंदिश पर बात हुई तो वहाँ ये कहा गया कि 15 दिन के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। वहाँ ये बात नहीं हुई थी कि 8वीं जमात तक हो या 10वीं तक हो या 12वीं तक हो, 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स को बंद करने का जो वहाँ राय आई थी और वो फैसला वहाँ हो सकता था। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में लें और वहाँ पर चूँकि एजुकेशन से मुतल्लिका तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं तो उनकी मशावरत से हम कोई भी फ़ैसला करें। स्टीयरिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स ने मुख्तलिफ आरा दी, उसमें अक्सरियत ने यह कहा कि बिल्कुल स्कूल्स बंद होने चाहिए। और एक तो राय ये थी जो मैंने आपको बताया 2-3 लोगों की कि जी बिल्कुल बंद ही होने चाहिए जब तक हर चीज़ बंद ना हो जाए फिर आप बंद करें। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जी बंद होनी चाहिए और कुछ का ये था कि 8वीं जमात तक होनी चाहिए। तो ये जो भी तजावीज़ थी वो हमने हुकूमत सिंध से शेयर की और वहाँ पर जो फिर फैसला हुआ उसके मुताबिक हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें यह है कि 8वीं जमात तक की जो क्लासेज हैं उनको हम
स्कूल बंद तो नहीं किया हमने, बच्चों की जो फिज़िकल अटेंडेंस होती है उसको हमने रोका। अब ये जो फैसला हुआ है इसको भी ज़रा, इसका बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त सूबह सिंध में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोविड की वो सूरतेहाल नहीं है जो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ख्वाब खरगोश में हों और हम जो आने वाली आगे की सूरतेहाल हमें नज़र आ रही है कि ख़राब हो सकती है उससे हम अपने आप को बिल्कुल लाइल में रखें और जानते हुए भी हम इकदाम ना करें। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबह सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोविंशियल उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ़्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ जो इन्फेक्शन रेट हाई है, जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है जो ज़्यादा वहाँ नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला नहीं किया है। तो अगर वो फ़ैसला नहीं करते हैं तो ये आपके भी इल्म में है कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाकी सूबों से सूबाए सिंध में आते हैं और यहाँ से जाते हैं, तो इसकी ट्रांसमिशन तो इसी तरह होती है। अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुँचाएगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह से नुकसान को जो है वो कम किया जा सके। हम अब भी ये समझते हैं कि हमें खदशा है कि सूबाए सिंध में भी खुदा न खास्ता सूरतेहाल ख़राब हो सकती है अगर हमने वक्त पर सही इकदाम नहीं किए और लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। सूबाए सिंध में इस वक्त जो शरह है वो 2.1 है, ये तो आपके इल्म में है, लेकिन अगर आप इसमें कराची में देखें तो ये 5.39 है और हैदराबाद में 5.58 है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो शराय चल रही थी ख़ासतौर पे कराची और हैदराबाद में, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ये नहीं है कि वो नीचे जा रही है, उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और अगर इजाफ़ा हो रहा है तो हमें उस पर एहतियाती तदाबीर अभी से इख्तियार करनी चाहिए, ना ये कि हम इंतज़ार करें कि खुदा न खास्ता जब ये 10% हो जाएगी उसके बाद हम इकदाम करेंगे। तो सूबह सिंध की हुकूमत ने कुछ अर्ली एक्शंस लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि वो इस पर मदद करें हमारी, चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, सूबाई हुकूमत वो नहीं कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, और मैं समझता हूँ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं वो भी हुकूमत सिंध की इस मजबूरी को समझेंगे। हम ये समझते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम का नुकसान बहुत हुआ है पिछले एक बरस में जब से ये कोविड आया है, लेकिन ये नुकसान ना तो हुकूमत सिंध चाहती है कि हो, ना ही वालदेन चाहते हैं कि ये हो, ना ही मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि ये हो, ना ही कोई वालिद ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों का ये नुकसान हो। जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं, और एक चीज़ हमने जो पहले से तय की हुई है कि इस साल बच्चों को बगैर एग्ज़ाम्स के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बर वक्त इकदाम नहीं करते और खुदा न खास्ता ये स्कूल का जो क्लोजर है वो ज़्यादा तवील हो जाता है, तो इसमें बच्चों का पूरा एक साल ज़ाया हो सकता है, बच्चों के 6-8 महीने ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा जो एकेडमिक प्लान है वो रीशेड्यूल होगा और सारी चीज़ें आगे चले जाएंगी। तो इसलिए कुछ ये चीज़ें की गई हैं। तो मेरी राय थी कि मैं आपसे शेयर करूं, और जो कुछ गलत खबरें मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं, एक तजब्जुब है, वो ख़त्म हो। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN News Live, हर खबर तहकीक के साथ।